कटहल की दाल, बैंगन मसाला, बहुत ही टेस्टी लंच रेसिपी है गाइस। इस तरह से बनाइए, खाइए। सीरीज हम ब्लॉग्स पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की बहुत ही ज्यादा टेस्टी लंच रेसिपी है। आप एक दाल से भी ये दाल बना सकते हैं और कई दालों को मिक्स करके भी। तो ये है मूंग, मसूर, अरहर और चने का दाल। सबको मिला के धो लीजिए। अब इस तरह का एक बर्तन में दाल डालिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप लंच बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालिए अभी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालिए और एक दो बूंद सरसों का तेल डालिए। अभी इसको रखिए साइड में। कटहल इसमें से थोड़ा सा काट के एक दो टुकड़ा निकाल लेंगे। अब इस कटहल के पीस को धो लीजिए और कुकर में डालिए। अब इसी में ये दाल वाला बर्तन को सेट कीजिए। बहुत थोड़ा सा डालिए नमक और थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर और डालिए इसमें पानी। अब ये है बैंगन, जितना भी आपको बनाना हो ले लीजिए। टमाटर, प्याज, लहसुन, ताजा हरा धनिया, हरी मिर्ची, सबको धो लीजिए, साफ कर लीजिए। सब्जी भी बनाएंगे और दाल में भी डालेंगे। तरह से पहले दो पीस काटिए और उसके बाद इसका पतला पतला पीस काटिए और ऊपर साइड से जुड़ा हुआ ही रखिए। इस तरह से ऊपर से जुड़ा हुआ रखिए और सबको काट लीजिए और इसको पानी में डालिए। अब इस बैंगन को धो लीजिए अच्छे से। हरी मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन इसको पीस लीजिए। अब इसको रखिए साइड में। अब दाल में लगाएंगे तड़का। डालिए सरसों तेल, एक से दो चम्मच डालिए। यह है एक तेज पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च, जीरा और हींग, इसको डालिए। डालिए यह
है थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, धनिया की पत्ती। पहले लहसुन और हरी मिर्ची डालिए। प्याज, टमाटर और धनिया पत्ती डाल दीजिए। अब इसमें डालिए नमक, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, थोड़ा सा ये आधा चम्मच मिक्स सब्जी मसाला, थोड़ा सा ये कसूरी मेथी, थोड़ा सा ही ये गरम मसाला पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, और थोड़ा सा नमक लगेगा तो बाद में डालेंगे। और इसको फ्राई कीजिए। बहुत अच्छे से पक गया है ये सब दाल। अब इसको डालिए तड़का में। अब निकालिए इसमें से ये कटहल के पीस। इसी तरह से सभी को निकाल लीजिए। ये अच्छे से पक गया है, इसको इस तरह से छुड़ा लीजिए कटहल को। ये इस तरह से पूरा कटहल को छुड़ा लीजिए। अब इसको डालिए दाल में। थोड़ा देर इसको पकाएंगे। अब इसमें देख लीजिए अगर नमक लगेगा तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। अब ये बहुत ही टेस्टी कटहल का दाल बनके तैयार है गाइस। थोड़ा सा इसको पका लेंगे। ये कटहल का बहुत ही टेस्टी दाल बनके तैयार है गाइस। इसको हटा दीजिए। लीजिए ये बैगन। अब इस बैगन पे डालिए थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ये गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा और ये है थोड़ा सा मिक्स सब्जी मसाला पाउडर। और ये लहसुन और हरी मिर्ची पिसा हुआ, इसको भी डालिए। और इस तरह से मिला लीजिए इसको। अब इसमें डालिए थोड़ा सा बेसन, बहुत ज्यादा मत डालिए, थोड़ा सा डालिए। और इसको भी अच्छे से इस तरह से मिक्स कीजिए मसाला के साथ बेसन को। अब ये सरसों तेल है, इस गर्मा गर्म सरसों तेल में बैगन को अच्छे से फ्राई कर लीजिए।
इसको निकाल लीजिए। आप सूखा इसको ऐसे ही चावल दाल के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। से सारा बैगन फ्राई कर लीजिए। एक टमाटर, एक प्याज, ताजा हरा धनिया और ये लहसुन सबको काट के जार में पीस लेंगे। अब यही फ्राई वाला तेल इसमें डालिए, पूरा मसाला के साथ सब इसमें डाल दीजिए। अब इसमें डालिए थोड़ा सा पचफोरन। अब इसी में डालिए एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा ये काली मिर्ची का पाउडर और ये थोड़ा सा तीखा वाला लाल मिर्ची पाउडर। इसमें डालिए सब्जी के हिसाब से नमक, बैगन में पहले से नमक दिया हुआ है, हिसाब से डालिए। हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ये कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा ये गरम मसाला पाउडर और ये थोड़ा सा कसूरी मेथी। अब इसको अच्छे से फ्राई कीजिए। अब इस बैंगन में चटपटा टेस्ट लाने के लिए डालिए एक चम्मच चाट मसाला। अब ये मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, थोड़ा सा पानी डाल दिया इस सब्जी में। बस इस तरह का मसाला को लटपटा बनाइए और इसको फैला लीजिए। अब इस पे एक एक करके बैगन को उल्टा करके डालिए ऐसे पलट के। अब इसको ढक के थोड़ा देर के लिए पकने दीजिए।
एक बार बस पलट दीजिए। बहुत ही टेस्टी बैगन मसाला बनके तैयार है। फ्लेम ऑफ कर दीजिए।